दशानन के पेट पर बांध लगाकर दशानन को मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ओर से बांध छोड़ दिया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सभी वीडियो होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम आए हैं इंदौर के दशहरा मैदान में। यहाँ ना केवल की सबसे बड़ा रावण होता है, यहाँ पे होता है इंदौर का सबसे बड़ा रावण दहन। और इंदौर में रावण दहन की शुरुआत ही दशहरा मैदान से होती है। तो फटाफट अभी हम आ चुके थे, लगभग 7 बजे का यहाँ का टाइमिंग था, 6:50 6:40 हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और 1 किलोमीटर की रेडियस से सभी जगह के रोड बंद कर दिए थे। तो अब भी हम दोनों भाई जा रहे हैं पैदल। और 2021 में हमने पहली वीडियो डाली थी दशहरा दहन की, यहाँ के जो रावण दहन की, वो हमारी पहली वीडियो थी दोनों भाई की, वायरल वीडियो, जो वायरल गई थी। हाँ, तो एक अलग खुशी थी उस समय पे। और उसके बाद आज हम आए 2024 में। तो फटाफट रख लेता हूँ और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें। तो फटाफट अभी चलते, वेट नहीं हो रहा हूँ उससे, तो चलते सीधे मिलते हैं दशहरा मैदान में। तो भैया देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड हो गया, सभी जगह पूरी पैक पैक। यहाँ पे लगभग हज़ारों के लगभग में भीड़ आती है। और अभी तो आधा घंटा, मतलब 15-20 मिनट बचे हैं, 7:15 7:20 के लगभग दहन होगा। उसी में ये हाल है, तो फिर दहन के टाइम क्या हाल होगा। आतिशबाजी शुरू हो गई है और यहाँ पे छोटा सा काइंड ऑफ मेला भी लगता है, खाने पीने की जगह और झूला वगैरह है। तो अभी मैं आपको रख लेता हूँ फ्रंट में, वो वहाँ से दिखाता हूँ दहन। हमारे बीच में लंका दहन हेतु हनुमान जी पहुंच गए हैं। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी अपनी सेना के साथ में आज लंका पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त करने हेतु अग्रसर है। मैं आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री हनुमान जी द्वारा उसके माध्यम से लंका का दहन कर दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम सीता के लिए, प्रभु श्री राम सामंता के लिए। तो भैया अभी मैंने आपको दशहरा मैदान का रावण दहन दिखाया। इसकी हाइट की बात की जाए तो लगभग 111 फीट के आसपास था, ऐसा मैंने लोगों के मुंह से सुना था। भैया अगर आप यहाँ आने का नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो तो थोड़ा समय से आएँ, 6:30 बजे आप ग्राउंड पे जाएँ तो आपको आगे जगह मिलेगी खड़े होने के, वो पास से देखने को मिलेगा। क्योंकि ये टाइम के बहुत पंचुअल हैं, इनने 7 से 7:30 के बीच का बोला था, 7:15 पे इन्होंने रावण दहन कर दिया था। तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, ठीक है? 7:15 पे दहन हुआ, 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे पहली बार देख रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी इंदौर की और जगह की जो रावण दहन की वीडियो है वो भी आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।